और मगैत्री के चरण में कुटि कुटि नमन, आप सभी को प्रणाम। सनातन धर्म में द्विज किसे कहते हैं, द्विज का अर्थ और मर्म क्या है, आइए हम जानते हैं। सनातन धर्म में जिन मनुष्यों के दो बार जन्म होते हैं उन्हें द्विज कहते हैं। द्विज मतलब दोबारा जन्म लेने वाला। दोबारा जन्म क्या है? नर पशु के जीवन से नर नारायण के जीवन की भूमिका में प्रवेश करना, यही दोबारा जन्म लेना है। और ये दूसरा जन्म जिस दिन लिया जाता है, जिस दिन ये प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं, उस दिन एक समारोह मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, कर्मकांड किया जाता है, उसी का नाम दीक्षा संस्कार है। जो आदमी इस तरह की प्रतिज्ञा के लिए तैयार नहीं होते और वे कहते हैं कि ऊंचे जीवन और आदर्श जीवन से कोई मतलब नहीं है, वे कहते हैं हम तो केवल पशुओं की तरह जीवन जिएंगे, हम पेट भरने के लिए जिएंगे और संतान पैदा करने के लिए जिएंगे, उनको अपने यहाँ शूद्र कहा गया है और शूद्रों को बहिष्कृत माना गया है। इस तरीके से शूद्र वे नहीं जो किसी जन्म में किसी कौम में पैदा होते हैं, शूद्र वे हैं जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है और जिनका पशुओं की तरह पेट पालना और रोटी कमाना ही लक्ष्य है। वे सब के सब आदमी शूद्र हैं, दूसरे शब्दों में वे पशु कहे जा सकते हैं। उसको बहिष्कृत माने जाने की परंपरा उस जमाने में उसी तरह की थी, लेकिन आजकल तो जन्म से ही शूद्र और जन्म से ही ब्राह्मण माने जाते हैं। जन्म से शूद्र वर्ण का कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब ये है कि जो आदमी भौतिक जीवन जीते हैं और आत्मिक जीवन के प्रति जिनका कोई लगाव नहीं है, उन आदमियों का नाम नर पशु या शूद्र है। शूद्र अपने यहाँ निंदा की बात थी किसी जमाने में, कर्म के आधार पर जब शूद्र और ब्राह्मण बनते थे तब। आज जब जन्म के आधार पर शूद्र और ब्राह्मण मान लिया जाने लगा है, तब कोई निंदा की बात नहीं रही और ना ही कोई अपमान की बात रही। अब तो सब गुड़ गोबर हो गया, लेकिन पुराने जमाने की बात अलग थी। मनुष्य शूद्रता की सीमा से निकल करके जिस दिन से ये प्रतिज्ञा लेता है, व्रत लेता है कि मैं आज से मनुष्य होकर जीऊँगा, उस दिन का समारोह आत्मा और परमात्मा के साथ मिलने का विवाह जैसा समारोह होता है। उस दिन को मनुष्य जीवन में प्रवेश करने वाला नया जन्म कहते हैं। उसे आत्मा का परमात्मा के साथ आध्यात्मिक विवाह कह लीजिए। जैसे एक लड़के और लड़की की शादी होती है, पंडित जी पगड़ी बांध कर आते हैं, उनको दक्षिणा दे दो, वे श्लोक बोलते हैं, परिक्रमा करा देते हैं और पंडित जी मिठाई खाकर पूड़ी खाकर घर से चले जाते हैं। पंडित जी का शादी ब्याह में कोई खास भाग नहीं होता, बस थोड़ी देर के लिए उनकी हिस्सेदारी होती है। इसी तरह से गुरु दीक्षा का कृत्य कर्मकांड कोई भी आदमी करा सकता है, उस आदमी का कोई मूल्य नहीं। वास्तविक बात यह है कि आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने भर की बात है। सद्गुरु जिसको कहते हैं वो अंतरंग में बैठे हुए चेतना और प्रेरणा का नाम है, जो मनुष्य को दिशाएं बताती है, हर वक्त मार्गदर्शन करती है। बाहर का गुरु तो केवल ढांचे के तरीके से, खाके के तरीके से और सिग्नल के तरीके से सिर्फ आरंभिक रास्ता बता सकता है। 24 घंटे रास्ता कैसे बता सकता है कोई गुरु? गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुदेव महेश्वरः, ये जो बात बताई गई है वो मनुष्य के ऊपर लागू नहीं होती। कोई सामान्य मनुष्य ब्रह्मा कैसे हो सकता है? कोई सामान्य मनुष्य विष्णु कैसे हो सकता है? महेश कैसे हो सकता है? इतनी जो महत्ता और महिमा बताई गई है वो अंतरंग में बैठे हुए उस भगवान के लिए है। सद्गुरु शब्द केवल भगवान के लिए काम आता है, मनुष्य के लिए नहीं आता। गुरु तो जरूर मनुष्य के लिए आता है, लेकिन सद्गुरु संबोधन कभी मनुष्य के काम नहीं आ सकता, वह केवल भगवान के लिए काम आता है, उस भगवान के लिए जो हमारे अंतर में बैठा हुआ हमको प्रेरणा दिया करता है। सद्गुरु के साथ अपनी जीवात्मा का संबंध जोड़ लेना, यही गुरु दीक्षा है। गुरु दीक्षा जब होती है तो हमको गायत्री मंत्र दिया जाता है, ये सिंबल है, ये सहारा है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए हाथ में लाठी जिस तरीके से दी जाती है, उसी तरीके से ये लाठी है महानता के मार्ग पर चलने के लिए। गायत्री मंत्र की शिक्षाओं में कितना मूल्य भरा हुआ है, मनुष्य को
सविता के समान तेजस्वी होना चाहिए और वरेण्यम श्रेष्ठ होना चाहिए, ऐसी कितनी विशेषता उसमें भरी पड़ी है। अंत में ये कहा गया है कि धियो यो न प्रचोदयात, यानी इंसान की इस दुनिया में अक्ल को बहकाने वाले बहुत साधन भरे पड़े हैं। हमारे कुटुंबी हमारी अक्ल को बहकाते हैं और हमारे खानदान वाले और हमारे लोग ही हमारी अक्ल को बहकाते हैं। समाज के लोग, दुनिया के लोग चालाकियों के जाल भरे पड़े हैं, आदमी की अक्ल को बहकाते हैं। अक्ल को बहकाया नहीं जाना चाहिए। इस तरह का शिक्षण, इस तरह का इशारा, इस तरह का सिग्नल, इस तरह का जिस मंत्र के द्वारा, जिस प्रेरणा के द्वारा, जिस प्रकाश के द्वारा हमको मार्गदर्शन दिया गया है, उसका नाम है गायत्री मंत्र। तो ये है द्विज का अर्थ और मर्म और सद्गुरु की महिमा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।